हाँ जी, तो भाई वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सिंपली आ गए यहाँ पे कसूर स्वीट पे। जाए आज फाइनली पूरे मिल गए भाई भटूरे। चलो आज बनाऊंगा मैं खाना। हाँ जी, तो भाई वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ जी भाई, क्या सीन है आज का? आज का सीन कुछ ऐसे है कि रमज़ान में मम्मा की बर्थडे आ गई थी, तो हमने जो है ना मम्मा की बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सके। तो आज मम्मा, ज़रा वीकेंड है आज, तो जी मम्मा अपने कामों में बिजी हैं और मम्मा को कोई आइडिया ही नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं हम, ये भी अभी सडनली ही प्लान बना और मैंने इसको बुलाया कि चल चलें और ये सीन करें। अभी हम आए लेयर्स पे, लेयर्स पे मम्मा के लिए जो है, हम मम्मा के लिए लेने आए हैं कपकेक्स। यहाँ से कपकेक्स लेंगे और फिर घर जाएंगे और मम्मा को सरप्राइज़ देंगे कि जो है मम्मा की बिलेटेड बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। तो लेट्स गो, चलो गाइस कपकेक्स लेने चलते हैं। कपकेक्स हमारे मिल गए हैं हमें, लेट्स गो होम, मम्मा को सरप्राइज करते हैं। अच्छा सीन क्या है भला, मैंने क्या करना है? क्या करना है? तू नहीं जाना, अंदर चले जाना। तुझे तो पता ना कि मम्मा को पता ना कि तू घर आ गया हुआ है। हाँ, हाँ, मेरा तो नहीं पता कि मैं तो घर से आया, मैं तो अभी हॉस्पिटल ही हूँ, मम्मा को आईडिया नहीं। हाँ, मैं क्या करूँगा कि नहीं, वैसे भी मम्मा को क्या कहते, मम्मा मैं जरा बाहर जाना। हाँ तो बस ठीक है ना, तो अभी क्या करेंगे, तू अंदर चला जाएंगे ठीक है ना, मैं बाहर ही खड़ा रहूँगा, बाइक बंद कर दूंगा, बाइक की आवाज़ ही नहीं आई। ठीक है, पीछे से ही ना बंद करते हुए लेके आऊँगा। तो जो है ठीक है, फर्स्ट ऐसा करूँगा मैं, पहले अंदर चला जाऊँगा। मेरी भी तो सुन, गेट ओपन करके मैं चला जाऊँगा। तो जो है ना, तू गेट ओपन करके अंदर चला जाए, फिर ना मैं कॉल करूँगा, तू कहीं मेरा कोई दोस्त आया ठीक है, ठीक है, और कर को रखे ना, फिर मैं आराम से अंदर आ जाऊँगा। मम्मा को ना पीछे से मैं सरप्राइज कर दूँगा और फिर जाना कब कहेंगे ठीक है। ठीक हो गया, डन कर। ओके हो गया, ओके हो गया। चल बाइक किधर गई? बाइक उस साइड पे, अंदर तक तो आवाज नहीं जाती इसी तरीके से बोल। अच्छा हाँ सॉरी, मम्मा को कोई आइडिया नहीं है कि मैं घर आ गया हूँ, मैं जल्दी आया हूँ, शमरोज तो पहले ही घर आ गया हुआ था। तो तू जा अंदर ठीक है, ठीक है, और मैं ये चीज़ें लेके, मैं ये चीज़ें लेके ना तो बाद में आता हूँ, तो मैं नॉक करूँ वो आ जाए ठीक हो गया, मैं क्या करी कर। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम, हो आए हो अपने दोस्त से? हाँ जी मम्मा। ठीक था, कैसा था वो? सही था। अच्छा, और ये कैमरा क्यों किया हुआ है? कुछ नहीं मम्मा, मैं वैसे ही ना वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना शॉर्ट्स बना रहे थे, मैंने कहा कि जो है ना फनी मोमेंट्स हमारे को थोड़ी से बन जाते हैं, तो उसके लिए मैं वैसे ही शॉर्ट्स बना रहा था। बंदा को बताया तो करो, बंदे को वरना मैं ऐसे ही, मैं रैंडम ही बैठी हुई हूं गंदी मंदी बन के। नहीं ये सही लग रही है यार। अच्छा बाहर देखिए, लगता है मेरा दोस्त आया हो कोई ना, आया गया है पहले ही आया हुआ। चला 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 चल 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 मम्मा को सुबह आना है मम्मा। किधर बैठी हुई है मम्मा? इधर सामने बैठी है, मम्मा को टर्न करवाना है।
से मेरी तरफ कमरो मामा। अच्छा ठीक है ठीक है, मामा की जो है ना टैन करवाते हैं। वो वैसे ही वो दोस्त था, उसको ना वैसे काम था, वो आया हुआ था। चलो मैं इधर आई, दो मिनट मैं एक चीज दिखाता हूँ। इधर आई ना, मैं जरा एक सीन चेक कर रहा हूँ। मैं खाना कब खाना है? खाना अभी करते हैं, दो मिनट इधर रहते हैं। ये देखे मैं तो वैसे ना चेक कर रहा हूँ कि हमारा सीन कैसे आता है इस तरह करके, तो उसे एंगल बना रहा हूँ मैं। ठीक है तो सही हो जाएगा अभी ना। बाहर कौन है ये तो बता। वो भाई मेरा दोस्त आया था, वो चला गया। तो इधर आए, ये देखे अभी इधर आए कैमरे में, देखे सेल्फी लेते हैं ना एक। ये कौन सा मौसम की सेल्फियां ले रहा है मेरे साथ? ले रहे ना, दो मिनट चेक करें इधर। अच्छा आपके वो आपकी बर्थडे गुजरी थी ना, तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे वाला सीन हो गया आपका। नहीं तो ये कौन से मौसम की बर्थडे मना रहे हो? मेरे तो बर्थडे को भी मेरा हाल ही गुजरे हुए आई थी ना, तो हमने कहा कि नहीं ऐसे थोड़ी। तो मैंने सोचा शायद बर्थडे वाले जो गिफ्ट्स गुफ्ट्स है वो यहीं पे दे दिए आपने। और नहीं यार, क्या हो गया, बर्थडे वाले गिफ्ट सॉरी थे, वो तो ईद वाले गिफ्ट थे। तो आपके पापा भी तो, क्या पापा भी तो आ जाए तो ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा बताया तो करो, बताया भी नहीं आप लोगों ने। तो कोई नहीं, क्या हो गया बताया, हमने सोचा यार सरप्राइज देते हैं आपको। कुछ पकड़ तो लो। नहीं नहीं आप ऐसे ही करो, तू बट्टा चेंज कर रहा है। नहीं इधर आओ यार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा। चलो जी हैप्पी बर्थडे वाला सीन हो गया। मैं डर गया था, मैं एकदम से हमने पीछे देख लिया भैया। मुझे लगा यार आ जाएगा यार, तू जल्दी से नहीं आया। चलो जी, ये बोंदा भाई के साथ भी मिलके मैंने ना आज का सीन किया। अच्छा, मैंने इसको बुलाया था वहां पे, मैंने बुलाया था इसको वहां पे 200 के मामले में। आपका 200 मुझे ये आया तो कह के गया मम्मा मैं जरा थोड़ी देर के लिए ना शाम की तरफ जा रहा हूँ। चलो ठीक है चले जाओ। चलो कोई नहीं, तूने एक कप के खराब कर दिया बीच में। ओ यार वो क्या कहते हैं, वो बाइक को पढ़ा रहे थे, अब वो हिल गया सारा। सीधा कर दूं उधर से ना, सीधा वाला होने का हिसाब नहीं हो जाएगा, ये बेचारा पुट्ठा सीधा ही हो गया। ये देखा ना मामा को सरप्राइज देने का नतीजा, ये खुद ही ऐसे काम करते हैं। ये अच्छे वाला बीच में रह गया, हैप्पी बर्थडे वाला। अच्छा ये ऊपर क्या लिखा है? हैप्पी बर्थडे। अच्छा थैंक यू, चले मैं आप लोगों को सही करती। ठीक है। हाँ जी मम्मा, तो खाने में क्या बनाया आज आपने? हैं खाने में मैं सोच रही थी कि आज वीकेंड है, जो जल्दी से बन जाता है, अभी आप लोग जो कुछ कहते हो बना लेते हैं। यार आप रहने दो, आप आज हो बर्थडे क्वीन हैं, ये मम्मा बर्थडे क्वीन है आज, तो आज आपको देंगे हम रेस्ट। अच्छा आज बनाऊंगा मैं खाना। अच्छा वाकई? तो जो है ना मैं क्या बनाऊंगा, अब कोई आसान सी चीज ही बना लेता हूँ। क्या कहते हैं क्या कहते हैं, पास्ता खाते हैं आज। हैं मामा पास्ता, ये बोंदा भाई मेरी हेल्प करेगा ना थोड़ी सी, तो बड़ी दफा बनाया हुआ है। हाँ वो उस तरह से करते हैं ना कुछ सीन करते हैं वैसे तो। खैर आप करें रेस्ट, आप खाएं ये अपना, ये सही वाला कपकेक भी, और ये जो खराब हो गया ये भी आप खा। तो खैर ये आप इंजॉय करें, हम जो है ना क्या पास्ता पास्ता लविस्ता बनाते हैं हम जो है ना। चल बोंदा भाई उठ जा। हाँ हाँ की हो गया यार, मम्मा बना देंगे यार। तो शेफ इधर है। हाँ हाँ जी और क्या। चलो भाई मम्मा ने चैलेंज दे दिया है कि हम पास्ता नहीं बना सकते, मम्मा को बना के दिखाना है। बर्थडे क्वीन ने चैलेंज दे दिया है। पूछना कुछ ना आना मेरे से। ये क्या बात हुई, लाइफलाइन तो होती है ना। नहीं लाइफलाइन क्या, पूछने वाली बात है,
मैंने स्टेप बाय चीजें रख ली है, पहले ये डालना है फिर ये डालना क्या है, ये सोया सॉस है। अच्छा घंटा लगा के पहले वो बॉइल हुए, मेरे से गिरने लगे थे ये सारे। कोई हाल नहीं, हाँ वो मुझे आवाज आई थी बर्तनों की ना गिरते हुए। पहले ये डालना है फिर ये डालना है फिर ये डालना है फिर ये गाजरे हैं। अच्छा तो ये और ये इतनी मुश्किल से ये मैंने काटी है और ये सॉस बनाई है पास्ते के लिए ना, तो खैर दुआ कर अच्छा ही बन जाए। खैर चलो ये तो हो गया रेडी चिकन हमारा, तो इसमें डालते हैं आप जी ये सोया सॉस अपनी। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था गाइस। पी के दिखाइए। नहीं मैं गर्म चीजें नहीं पीता, ठंडी थी वो लेकिन अब तो गर्म हो गई। चलो जी ये तो हो गया सोया सॉस, सोया सॉस वी एडेड द सोया सॉस। अब बोंड गोभी डालते हैं, बोंड गोभी ये बंद गोभी है वैसे, कैबेज। चल डाल जा भाई, चलो जी नाउ वी एडिंग अप द स्पाइसेस। ये मेरे सीक्रेट मसाले हैं जो मुझे भी नहीं पता जो मेरे दिल में आया ना मैंने डाल दिया भाई, चाहे स्पाइसी बन जाए चाहे ये मीठे तो नहीं बनेंगे, मैं बोंगी मीठे नहीं बनेंगे स्पाइसी बनेंगे भाई स्पाइसी। चल अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। गैस की वह गैस नीचे से बंद कर दिया प्रॉपर। ओ भाई मैं डर रहा हूँ ये सूख ना जाए कोई। हाँ जी गाइस हमारा जो है ना पास्ता यहाँ पे केमिकल एक्स डाल दिया मैंने इसमें, केमिकल एक्स वो शुरू में नहीं डाला था। हाँ वो शुरू में डाल दिया, पावर पफ गर्ल्स नहीं बनी अभी तक यार पता नहीं। ओ मिठास क्यों नहीं डाली इसमें, मसाले डाल दिए हैं लगता पावर पफ बॉयज बन रहे हैं ये। तो जी अब एक सेकंड मुझे नहीं पता चल रहा, एक मिनट मामा से पूछ लेता हूँ। मामा ओ भाई उसको ओपन रख के चल। मामा यार ये पास्ता डालना है कि पहले सॉस डालनी है, मैं तो यार मामा बता दे हो यार मैंने तो नहीं बताना, मैंने कहा था मेरे पास ना। अच्छा इधर देखो तो सही आ गए, किया क्या क्या ये सारी चीजें डाल दी है अब देखो ना ये देखो मैंने दो घंटे हो गए हैं। ये देखो ये चीजें कर ली हैं सारी ठीक है, और ये सारी सब्जियां हो गई हैं। तो अब सॉस डालूं पहले या पास्ता डालूं? शिमला मिर्च डाली, शिमला मिर्च अभी नहीं डाली मैंने, कहा वो बाद डाल लो। अब मैं तो वैसे लादा सी पहले काट ली हुई है। हाँ जी काट ली हुई है तो शिमला मिर्च डाल लें। चलो फ्लेम ऑन करो चूल्हे की, बंद करा रहा जल्द जुला ना जाए कुछ। चलो जी चले चलो ऑन कर दिया है, नहीं बेटे चूल्हा ऑन है, चूल्हा बालना ना इतना ज्यादा बगैर चूल्हे ही बना लिए इतना ज्यादा कुछ वेरी गुड ऐसे तो खा के पता चलेगा तो क्या क्या डाला आपने। अच्छा वो सॉस आप ऐसा करो अलहदा से ना। हाँ जी ये कर लिया डी। हाँ जी ये सॉस ना इसमें मिक्स करो, इसमें मिक्स करो क्योंकि ये ऑलरेडी बॉईल कर लिया है ना। हाँ जी कर लिया ठीक है भाई कमाल है, मुझे तो यकीन ही नहीं यार। आराम से कमेंट मेरे तरीके नाल करने हैं ना आराम से। पास्ते का कत्ल हो चुका है गाइस, लहू लहान हो गए। माते यार ये हो गया पास्ता, उन जो पाना है ना है
ये तुम इधर पकड़ाओ मुझे, 10 घंटा तुमने डालने में भी लगा देना, मैं खुद ही डाल देती हूँ। तेरा काम आसान कर रही हूँ, तो स्पैचुला दे मुझे। मेरे बच्चे ने मेहनत तो वैसे बड़ी की है, मेहनत तो बड़ी की है। हाँ। मेरी जान, मेहनत तो बहुत काफी की है, लेकिन बस ये मैंने सोचा चलो गर्मी भी है तो मैं जरा आपको ना जल्दी से करती हूँ। चलो आपने कह दिया और बना दिया, बस एक अपने अपने खाने में भी मम्मा का थोड़ा सा आटा चोना चाहिए ना यार रात का। लेकिन मसाले वगैरह देख के नहीं पता चलेगा कि वो मैंने ना बस डाल दिए असल हेल्प के। वो ये इसने शिवरोज ने कुछ बताया कि क्या करना क्या नहीं, क्या सारा कुछ भी दिख गया कट किसने की थी? चले तुमने, मैंने खुद की है, तूने बड़ी गाजर इसने काट के दी, गाजर इसने काट के दी। सब्जियां तो मुझे थोड़ा यकीन है कि शिवरोज ने काटी होंगी। खैर यार अच्छा पास्ता बन गया, उससे तो अच्छा ही लग रहा है। फोक पकड़ के चेक के देख लो। नहीं खैर अब भी सबके साथ चेक करना, ऐसे नहीं चेकना। शेफ मास्टर शेफ ओन टेस्टेड डिशेस, ये मैं और तेरे पापा खाएंगे तो पता चलेगा। ओके हो गया। तो जी गाइस पास्ता रेडी है, तो फाइनल डच हो गया है, फाइनल डच मामा के हाथ से मैंने दे दिया है। तो ये भी मेरी एक प्लानिंग का हिस्सा था गाइस, मामा को बुलाया जाए और फाइनल डच दिलवाया जाए, हां ताकि मामा के हाथ का जायका आ जाए थोड़ा सा, है ना। खैर अभी जो है ना, आप लोगों को पता है हाथों का भी जायका होता है। हां जी, अगर आप कोई रेसिपी है और वही चीज एक ही रेसिपी अगर आप डिफरेंट लोगों से बनाए ना, तो वो डिफरेंट टेस्ट आता है। तो जो है ना, खैर वो मम्मा ने कर दिया सारा कुछ सेट सुट ना, मम्मा कर ले। हाँ मम्मा कर ले अब तो ना, अभी जो है बाबा का इंतजार करते हैं, बाबा बस आने वाले हैं थोड़ी देर तक, तो फिर जो है ना कहते हैं फर्दर बाबा को भी कपकेक खिलाते हैं मम्मा का, और फिर डिनर करते हैं। लेट देम टेस्ट माय पास्ता रेसिपी, एंड इफ यू गाइस वांट माय पास्ता रेसिपी जो कि आप लोगों को नहीं चाहिए होगी तो कमेंट्स में मुझे बताना, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आई नो मामा वाली आप लोगों को चाहिए, मेरी वाली नहीं चाहिए, लेकिन डू लाइक माय रेसिपी टू। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आगे बाबा, आगे बाबा, आगे बाबा, आगे, चलो आगे 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 आगे, चलो आप इधर इधर जाओ, चलो वालेकुम अस्सलाम। Happy belated birthday Begum Sahiba, आप इनकी प्लानिंग में पूरे पूरे शामिल हैं। ये तो मेरा ही प्लान था सारा, नहीं इनका था, नहीं बाबा का था, मेरा था प्लान, बाबा का प्लान था। आज तो माशाल्लाह और यंग यंग लग रही हो। क्या भाई, ये तो मैं ऐसे ही बैठी थी तो ये आ गई ऊपर से, ये जनाब साहब मुझे अपने दोस्त का कह के, तो ये मैंने थोड़ा सा दुपट्टा अपना चेंज किया, मैं कहा बच्चे वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा दुपट्टा चेंज कर लूं। अच्छा अच्छा अच्छा, भी वो केक शेक किधर है, तेरी मम्मा का मुंह मीठा कराऊंगा। ओह केक तो अंदर ही पड़ा भाई, अंदर ही ये मैं भी खाने लगा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, चलो जी हो गया। हाँ अभी खाने पीने में क्या है, खाने पीने में आज खाने पीने में अपने शहजादों से पूछे, आज हमने बर्थडे क्वीन को, इन्होंने मुझे रेस्ट दिया आज हमने बर्थडे क्वीन को, हमने बनाया पास्ता पास्ता बनाया मेरा दिल कर रहा आज ना भटूरे खाने को,
भठूरे खाने भठूरे ले गए देसी वाला ती मिक्स कम मिक्स कर चलो जी भठूरे भठूरे लेके आते हैं ठीक है तो यार बाबा ने जो है ना हमें कहा था कि भटूरे लेकर आओ तो अब जो है ना हम भटूरे लेने के लिए आ गए यहाँ पे कसूर स्वीट पे जाके भटूरे ले स्पेशल मेन्यू तो हमने वो पासे का किया था लेकिन बाबा जो है ना बाबा को भटूरे खाने हैं छोले भटूरे छोले भटूरे गला भी खराब है ऊपर से फिर भी भटूरे खाने गले से क्या होता है भाई से क्या क्या बातें कर रहे हैं ऑयली चीज़ें नहीं ना खाते डॉक्टर का सुझाव तो यार मैं लेके आता हूँ अभी हमारे भटूरों वाला भाई आ गया फाइनली फाइनली भटूरे मिल गए भाई भटूरे चलो घर चले चलो यार लेट्स गो घर चलते हैं। हाँ जी तो इतनी मेहनत से जो मैंने ये भटूरे लिए हैं और ये बंदा कहता है मैंने समोसा खाना है। अरे अपना वो इतनी दूर से देख देख के जो है ना जाने लगे थे लेकिन ना तो दिल कर रहा था यार खा के जाऊँ। और जो मैंने घर में पास्ता बनाया उसका क्या है वो खाएंगे अब कोई नहीं मिलना तुझे पास्ता चल फुट कोई ना भाई तू इधर ही रह तू इनके पास ही रह इनसे ही समोसे खाया मैं कहता हूँ दिल को सुकून आ तू इधर ही सुकून ले भाई मैं जा रहा हूँ घर बस तू इधर ही सुकून से बैठ इधर ही इनके साथ ही ना ऊपर कमरे हैं इनके वहाँ पे लेट जा मैं जा रहा हूँ घर। हैं वो देख कितना बड़ा मुंह खोल रहा है तू हैं। हाँ जी तो भटूरे शटूरे आ गए हैं माते भटूरे आ गए हैं चीजें चूजें सेट करिए तो जी ये भटूरे निकल आए सारे बाहर पास्ता डाल लिया आपने नहीं मैं डालूंगा अच्छा डालूंगा ठीक है तो जो है ना ये बोंदा भाई इधर काम चेक कितने क्या उधर मैं इतनी मुश्किल से पास्ता बनाया तो वहां पे जाके कहते समोसा खाना है लो जी समोसा खा के भी आया है खा के भी आया है समोसा वहां पे नजर आ गया तो ना दिल कर रहा था समोसा भी खा लूं तो समोसा खा के आया है अगला तू तो पूरा पूरा मुंह देख ऐसे किसे पता नहीं कुछ खाया नहीं कभी इसने हम सबसे कमजोर चलो जी टेबल सर्व कर टेबल रख दिए तूने हां टेबल रख दिया चलो ठीक है चलो चलिए रख दे जी गाइस हमारा जो है ना यहाँ पे अब सारा देसी बलाती मिक्स खाना लग चुका है ना मिक्स हो गई है तो जी बाबा चक्के दिखाने लगे आप भी चक्के बताएं मैं चक्के दिखाता हूँ बच्चों ने बनाया ये पास्ता और मैं माशाल्लाह खा के देखता हूँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहले मैं बताऊंगी पहले आप दोनों बताओ कटे काली मिर्च नहीं डाली ब्लैक पेपर वो भूल गए हम वो फ्रेश क्रश करके ना चलो वो अभी क्रश कर लेते हैं कोई गल नहीं फ्रेश क्रश वो पास्ते में उसका टेस्ट ही एक अपना कोई नहीं अभी क्रश कर लेते हैं मजे का है मजे का है वैसे ओवरऑल कैसा है जूसी मजे हां जी जूसी है तेरी मम्मा ने बनाया लगता है मामा के हाथ का और नहीं मैंने बनाया यार बाबा क्या हो गया बनाया हम नहीं नहीं इतना खास नहीं ना बना सच बताया नहीं वो भी हमने तैयार किए थे एंड पे आ गए हमने थोड़ी सी मम्मा से सच ये कि मैंने कुछ भी नहीं कर दिया सारा कुछ उन्होंने खुद ही सिर्फ एंड में ना उन्हें पता नहीं चल रहा था कि सॉस और पास्ता जो है वो कैसे मिक्स करना है सारा कुछ वो बस लास्ट में मैंने जाकर थोड़ी हल्की है और सच बताऊ ना वाकई मैं मजाक कर रही थी मैं जानबूझ के आपके पापा को इशारा कर रही थी लेकिन बहुत मजे का बना हुआ मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मेरे बेटे ने बनाया जबरदस्त किस्म का बोंदा भाई ने भी थोड़ी मैं बाद में नोश फरमाऊंगा मैं पहले भटूरा चख लूंगा मैं भी जाकर सर पहले भटूरा खाऊंगी चलो ठीक है खैर चलो जी आप लोग भटूरे शटूरे खाओ और ये इंजॉय करो
हम करते हैं व्लॉग का एंड यहाँ पे। ये था एक छोटा सा मिनी सा व्लॉग जिसमें हमने मम्मा की बिलेटेड बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट की, और रमजान में इसलिए नहीं कर सके क्योंकि रमजान में हेक्टिक रूटीन थी, इतनी साहब इतने बिजी थे और थोड़ा सा एक वो सीन भी नहीं बन सका था कि मम्मा की बर्थडे हम कर सके। तो खैर दिस वाज अ बर्थडे व्लॉग, मिनी व्लॉग, बर्थडे क्वीन इज हियर। तो जो है ना, अगर इफ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जी ये बाबा की ऑप्टिमम बाइट जाने लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।